जिसके भी जो क्वेश्चन होंगे बीच में लेंगे अगर बीच में रोक देंगे तो मेरा रिदम टूट जाएगा और एक के चक्कर में सबका नुकसान हो जाएगा वो मैं चाहता नहीं मैं क्वेश्चन का मौका दूंगा इसमें जो है कि लो शो को ड्रॉ कैसे करें लोग कैसे करते हैं नॉर्मली एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नहीं एलिमेंट वाइज करेंगे एलिमेंट आगे चल के समझा देता हूँ यहाँ भी बता देता हूँ कि इस तरीके से इसके फाइव एलिमेंट्स हैं जिसको फाइव एलिमेंट्स मालूम है हाथ लिया करते हैं फटाफट मोस्टली को पता है गुड है जिसको नहीं पता कुछ लोग नए हैं मुझे को पता है एकदम जो नए हैं मैं उनके लिए भी फास्ट नहीं लेके जा रहा हूँ कुछ सीखने को मिलेगा समझ में आएगा तो ये एक नंबर है ये वाटर एलिमेंट है नाइन नंबर है इस तरीके से ये सब तो लिखेंगे ही साथ में डायरेक्शंस नहीं लिखते हम मैं प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ आम आदमी ना लिखे तो कोई बात ही नहीं है प्रोफेशनल लोग डायरेक्शंस नहीं लिखते तो जब भी आप ड्रॉ करेंगे ये बनाते ही नंबर बाद में बढ़ेंगे पहले डायरेक्शन लिखेंगे क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी आपको फिर ये न्यूमरोलॉजी लगने लगेगी तो ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ में अगर नंबर है तो वो न्यूमरोलॉजी है ऐसा नहीं है नंबर तो हर चीज़ में है इसका मतलब वो नहीं है कि न्यूमरोलॉजी है अंक शास्त्र है अंक ज्योतिष है ऐसा नहीं है ये आप देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी और एक तरफ मैंने वर्षिज लोशोब जी आप लोगों के लिए बनाई है स्लाइड पहले कभी नहीं बनाई थी ये जी अब इसके अंदर आप देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ये नंबर है ना दस भी है क्या दस है क्या नहीं है नाइन तक ही है ये गिनती एक से लेकर नौ तक ही है ठीक है ना तो पूरी दुनिया इस एक से लेकर नौ नंबर के बीच में ही समाई है अब आगे बात करें तो एक नंबर जो है जो न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखें ध्यान से एक नंबर किसका है सूर्य चंद्रमा गुरु है ना राहु, बुद्ध शुक्र सात नंबर और आठ नंबर शनि और नौ नंबर मंगल ठीक है ये तो हो गए इसके इस तरीके से नाम अदरवाइज आप ये देख रहे हैं ध्यान से एक दो तीन ये ऊपर पढ़िया में आ रहा है आपको सबको एक नंबर किसका है पिता का दो नंबर माँ का तीन नंबर गुरु का हम एक एवरेज एज मान लेते हैं नब्बे साल जो हॉर्स्कोप बनती है वो एक सौ बीस साल की बनती है तो आज नॉर्मली एक सौ बीस साल की एज एक न्यूज बन जाती है होती नहीं है किसी की इक्का दुक्का किसी की होती भी होगी नॉर्मल नहीं है तो हम नब्बे साल मान लेते हैं नाइन्टी ईयर और उसके तीन हिस्से कर लेते हैं कितने हुए तीस तीस के हुए ना तो ये पहले जो तीस साल है ना हर व्यक्ति को पिता की भी जरूरत है गुरु की भी जरूरत है माँ की भी जरूरत है आप समझने के लिए मान लीजिए पचहत्तर साल मान लीजिए तो उसका कर लीजिए तो पच्चीस से पच्चीस पच्चीस साल हो गए कुछ भी समझ लीजिए चार नंबर पाँच नंबर छः नंबर इसमें ये तीन नंबर की जरूरत यानी अगले नेक्स्ट पच्चीस साल में यानी पच्चीस से पचास साल की एज के या तीस से साठ साल की एज तक व्यक्ति को धन भी चाहिए स्टेबिलिटी भी चाहिए और खुशी भी चाहिए हैप्पीनेस भी चाहिए इसी तरीके से सात आठ नौ सात आठ नौ की अगर हम बात करें यानी साठ से नब्बे या पचास से पचहत्तर तो वहाँ पे आदमी को वो कहता है यार मैं काम भी करूँ ठीक और थोड़ा अध्यात्म में भी पूजा पाठ में भी उसका दिमाग लगे क्योंकि वो इतनी दुनिया देख चुका होता है यहाँ तक आते आते तक पचास साल तक उन्हें बहुत से नफे नुकसान देख लिए होते हैं जैसे हमने हमने अपने टाइम में कोविड देख लिया बहुत छोटी एज के भी लोग चले गए बड़ी एज के भी चले गए है ना सोच ही नहीं सकते थे वहाँ चले गए अमीर गरीब सब तरीके के लोग तो क्या हुआ मन में एक बात आ गई कि यार सब यहीं रह जाएगा फ़र्क पड़ गया ना बात का तो इसी तरीके से हर आदमी का पचास साल की एज तक आते कुछ कुछ एक्सपीरियंस बदल जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस की वजह से वो चाहता है कि मैं थोड़ा अध्यात्म में भी जाऊँ वो सच्चाई की तरह बढ़िया लगता है फिर यहाँ पर क्या है क्रम भी करेगा उसके लिए और एंड क्या मोक्ष तो इसलिए मैंने बोला कि नौ नंबर जो है वो कहां का शमशान का या निश्चिता का ठीक हुआ अब यहां पे ये लोशो ग्रिड देख रहे हैं हम लोशो ग्रिड के अंदर में एलिमेंट वाइज चलेगा वन नंबर नाइन मेरा साथ देते रहेंगे पीछे वाले भी फोर और थ्री और इसी तरीके से ठीक हुआ इसी तरीके से मैंने इसमें डायरेक्शन दे दी तो ये समझने वाली बात ये है कि इसका मतलब दोनों में अंतर है ये एलिमेंट की बात कर रहा है तत्व की बात कर रहा है और ये रिश्तों नाते की बात कर रहा है ठीक ये लाइफ की बात कर रहा है तो थोड़ा सा फर्क है मेरा सब्जेक्ट उस तरीके से नहीं है फिर भी मैंने समझाने की कोशिश की अब मैं एक से लेकर नौ नंबर के, के बीच में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ एक से लेकर नौ नंबर के, के बीच में जो आपके मैंने नंबर से स्टार्ट किया आप समझ जाएंगे कि एलिमेंट कहाँ पे फिर मैं को एलिमेंट वाइज भी आपको बताऊँगा एक नंबर जो है वाटर एलिमेंट है ठीक है और इसके अगर हम बात करें इसके एट्रीब्यूट की बात करें इसके पहचान की बात करें कि पहचाना कैसे जाएगा आप किसी से मिलते हैं तो आप पाँच मिनट में कैसे आप अपने आप को ये प्रूव कर पाएंगे कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं आदमी पचास साल का होता है अपने बारे में पाँच बात नहीं जानता और इस चीज़ से आप थोड़ा सा उसको बता पाएंगे हाँ ये कोई तरीका प्रडिक्शन का नहीं है ये तरीका सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनने के लिए है बहुत <laughs> तो रहता है ना और जो बताते कि डेट ऑफ बर्थ क्या है उन्हें लेना देना कुछ नहीं गाड़ी में बैठे हैं प्लेन में बैठे हैं भाई साहब की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ में पाँच आता हुआ अच्छा नहीं छः आता हुआ जहाँ तुक्का सेट हो तो ठीक अगला कहते विद्वान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ठीक है ना तो इस प्रैक्टिस से बचना चाहिए मजाक के लिए बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसका विश्वास केवल आप पे नहीं उठेगा इस विद्या पे भी उठ जाएगा ठीक है आप बिल्कुल नहीं मांगेंगे उससे डेट ऑफ बर्थ विदाउट एनी रीजन लाओ जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो मैं देखता हूं मैं जैसे मांग लेते लोग कमेंट्स में लिखते सर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये होगी तो क्या आते रहते बैठे चलिए तो एक नंबर की हम बात करते हैं ये एक नंबर इमोशन का है प्लानिंग का है किसी का इमोशंस का प्लानिंग का और बॉडी के अंदर कितना पानी है उसको भी हम इससे पता कर सकते हैं और अपने वचनबद्ध कमिटमेंट किससे हमने बात कर ली कह दिया आज तुम्हारे को बुलाना है आज तुम्हारे को खाने पे या जो भी ये पैसा देना है वचन के लिए ठीक है और इसकी प्रोफेशन की अगर बात करें ऐसे लोग सर्विस में हो सकते हैं कंसल्टेंट हो सकते हैं और एडवाइज़र हो सकते हैं सलाहकार होते हैं ना ठीक है ना सुनील सानी जैसे प्रॉपर्टी का सलाह देते हैं तो सलाहकार भी होते हैं और प्रॉपर्टी की सलाह देते हैं वो हम आगे चलेंगे किस चीज़ के सलाह सलाहकार होते हैं यहाँ तक इतना ही है ठीक है कोई भी आप इसमें ले सकते हैं जैसे टीचर है सी ए इंजीनियर है सब इसमें आते हैं और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो प्रोफेशनल होते हैं अब बात करें दो नंबर की दो नंबर में किस इसकी दिशा कौन सी है साउथ वेस्ट ठीक है ऊपर में जब ग्रिड की अगर हम बात करेंगे ये देखेंगे ये दो नंबर यहाँ लिखा हुआ ना हाँ खाली हाँ। मैं सिंगल सिंगल नंबर की बात कर रहा हूँ अभी अर्थ एलिमेंट में आता है ये ठीक है ना तो ये किसके लिए बिग लैंड बिग अर्थ हड्डियों के लिए किसके लिए हड्डी के लिए और एक की बात करें ये लोग बिल्डर भी, भी हो सकते हैं ये लोग बिल्डर भी, भी हो सकते हैं बिल्डिंग मटेरियल का काम भी कर सकते हैं आर्किटेक्ट हो सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट हो सकते हैं इस तरीके से आगे चलते हैं तीन नंबर की तीन नंबर की डायरेक्शन कौन सी है ईस्ट और इसके लिए कहाँ पर आएगा ये लोग लिक्विड इनकम का भी बात कर सकते हैं यानी ताज़ी इनकम दिहाड़ी लगाना नौकरी करना डेली इनकम आ रही ना फिक्स है ब्याज आ रहा है इंटरेस्ट आ रहा है कुछ भी चीज़ डेली इनकम की बात कर रहे हैं यहाँ पे और इसके बाद नॉलेज की बात भी कर लेते हैं जो लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं वास्तु कंसल्टेंट बनते हैं उनके पे तीन नंबर का बड़ा महत्व होता है आप कौन थे आपका नाम अनुराधा है ना देखो तो मुझे याद रह गया बादाम खाता हूँ मैं हु? तो अनुराधा जी आप समझ में आ हैं ना मेरे को ठीक है ना एक दो लोगों ने एक तो उन्होंने बोला जय जनेेंद्र एक आपने बोला ओम शांति एक उन्होंने बोला था आराम राम है ना आगे भी कभी चलेंगे रह गया था आपका ठीक है अब चार नंबर की बात कर रहे हैं हम चार नंबर किसके लिए कहाँ पर साउथ ईस्ट और ये किसके लिए वुड एलिमेंट फोर एंड थ्री वुड एलिमेंट है मैं इसलिए पहले एक एक करके बता रहा हूँ फोर एंड थ्री वुड एलिमेंट है इसके भी लगभग लगभग सेम ही है सेम ही चीज़ें जो तीन नंबर की है वो इसकी है सिर्फ एक चीज़ थोड़ी इसमें अलग होती है नॉलेज की बात करते हैं उसकी नॉलेज थोड़ी आध्यात्मिक होती है इसकी नॉलेज थोड़ी सी अकल्ट होती है दोनों में फ़र्क आ जाए यूँ कह सकते हैं ये भक्ति पे काम करते हैं तीन वाले और चार नंबर वाले शक्ति पे काम करते हैं पावर पे काम करते हैं ठीक है ना तो आप जो है भक्ति पे काम कर रहे हैं <laughs> ठीक है ना तो इस तरीके से ये लोग चार नंबर वाले लोग घूमते फिरते हैं ट्रेवल एजेंट हो सकते हैं या प्रोजेक्ट जैसे हो ना अभी बेंगलोर में अभी मुंबई में अभी कहीं है अभी कहीं है कोई भी प्रोजेक्ट हो किसी भी टाइप का घूम के काम मिलता है इनको घूम के पैसा मिलता है मूव करते तब मिलता है बैठ जाते हैं तो काम भी बैठ जाता है अब बहुत सारे लोग देखते हैं मैं भी उनमें से एक हूँ ठीक है ना तो ज़्यादा बैठते नहीं हैं मूव करते हैं मेरे इवन दिन पढ़ाना भी हो तो मेरे को पूरा दिन खड़े रहना आपके सामने फिर भी मुझे कोई बैठ के नहीं बोल पाता ठीक है अब इसके बाद करते हैं फिक्स एसेट्स का एफडी वो लिक्विड इनकम थी या एफडी है